आज आपको वैदिक टीवी में उस कहानी के बारे में बताएंगे जब मंदोदरी ने रावण को समझाया था कि वो सीता माता को श्री राम जी को वापस लौटा दे। उस समय मंदोदरी को एक अनपढ़ महिला जानकर रावण ने क्या कहा था। स्वागत है आपका वैदिक टीवी में, राधे राधे, और मैं हूँ मेघा। रावण अपने दंभ में कितना डूबा था उसकी कई कहानियां आपने पढ़ी होंगी, सुनी होंगी। ऐसी ही कहानी आज हम आपके लिए लाए हैं जो शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। वैसे रामायण में इस बात को अच्छे से दिखाया भी गया है। रावण की पत्नी मंदोदरी ने रावण को खूब समझाया था कि श्री राम जी से बैर ना ले, श्री राम विश्व स्वरूप हैं, इसलिए उनसे बैर लेना ठीक नहीं है। सीता माता को रावण श्री राम जी को वापस लौटा दे, लेकिन उसने अपनी पत्नी की भी नहीं सुनी। प्रभु श्री राम सीता जी को लेने के लिए लंका पहुंचे थे। वहां उन्होंने सुबैल पर्वत पर सेना के साथ अपना डेरा डाला। वहीं से श्री राम ने रावण के महल पर राजरंग होता देखा। उसके बाद रावण का दंभ तोड़ने के लिए श्री राम ने बाण छोड़ा। श्री राम के एक ही बाण से रावण का छत्र मुकुट और रानी मंदोदरी के कान की बाली कट गई। उसके बाद लंका में सभी लोग सतर्क हो गए, लेकिन रावण इस घटना पर भी हंसता रहा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो अपने दंभ में बहुत चूर था, जो भी कोई उसे समझाता वो उसे मूर्ख मानता। इस घटना के बाद रावण की पत्नी को भी आशंका हो गई। उसके बाद उन्होंने रावण को फिर से समझाने की कोशिश करी कि अभी भी समय है, सीता जी को राम जी के पास पहुंचा दे। मंदोदरी ने कहा कि श्री राम तो विश्व स्वरूप हैं, शिव जी उनका अहंकार, ब्रह्मा उनकी बुद्धि, चंद्रमा मन और विष्णु जी चित्त हैं। आपको उनसे बैर नहीं लेना है, उनसे बैर छोड़कर उनके चरणों में प्रेम कीजिए, आप सुरक्षित बने रहेंगे। लेकिन रावण मंदोदरी की बात पर हंसता रहा। उसके बाद मंदोदरी ने मन ही मन ठान लिया था कि मेरे पति काल के प्रभाव में आ गए हैं और उनकी मति भ्रम हो गई है। अज्ञानतापूर्ण बातें करते हुए रावण को सवेरा हो गया और सभी लोग सभा में पहुंच गए। इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, इसी तरह की अज्ञानतापूर्ण बातें करते हुए रावण को सुबह हो गई। स्वभाव से निडर और घमंडी लंकापति रावण सभा में पहुंचा। जिस तरह बादल अमृत जल बरसाए तो भी बेत फलता फूलता नहीं है, ठीक उसी तरह से ब्रह्मा जी के समान ज्ञान वाले गुण भी मिल जाए तो भी इंसान मूर्ख ही रहता है, उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश नहीं हो पाता। यहाँ पर तुलसीदास जी समझाना चाह रहे थे कि आप चाहे कितने भी ज्ञानवान हो, कितने भी ज्ञान से भरे पूरे हो, लेकिन जब आपकी मति भ्रमित होती है तो आपको कोई कितना भी कुछ भी समझाए, आपका सारा ज्ञान धरे का धरा रह जाता है। आप ये कहानी पहले से जानते थे तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही पौराणिक कहानियों को जानने के लिए आप वैदिक टीवी को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।